हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। पुलिस पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के पिता से किसी बात पर नाराज होने के बाद आरोपी ने बच्ची को अगवा किया और अपने घर ले गया। इसके बाद उसने बच्ची का रेप किया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बच्ची की हत्या के बाद बच्ची के शव को एक कंटेनर में छिपा दिया था। जब बच्ची घर नहीं लौटी तो लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और बाद में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फुटेज के आधार पर आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास ही काम करता था जी। वहाँ से गांव वाले ने कोई सीसीटीवी कैमरा कोई स्कूल में ले गया, वहाँ से वो दिन में ना उसकी उंगली पकड़ते हुए दिखाई दिया गांव वाले को, इसलिए उस पर गांव वाले ने सटा। बिहार के सिवान में कुछ लोग हाथ में डंडा लेकर पुलिस वालों से नोकझोंक करने लगे। आरोप है कि वहां एक गाड़ी की चपेट में आने से 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जिला परिषद में जमकर हंगामा किया। बच्चे की मौत जिला परिषद में पानी पहुंचाने गई एक गाड़ी की चपेट में आने से हुई, जिसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इसके बाद गुस्साए लोगों की भीड़ ने जिला परिषद का गेट तोड़ दिया और अंदर घुस गए, जिन्हें मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का विरोध जारी रहा। काफी देर के हंगामे के बाद आला अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को शांत करवाया। पुलिस अब तक आरोपी की पहचान नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान एक मंच पर बांसुरी बजाकर डांस करने लगे। वह आदिवासियों के बीच में सांसद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद नंद कुमार सिंह चौहान भी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए और जमकर डांस किया। इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी थी और इन सब के बीच मंच पर नंद कुमार आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ बांसुरी बजाकर काफी देर तक डांस करते रहे। इस दौरान बीजेपी सांसद नंद कुमार ने दावा किया कि वो वहाँ के लोगों के दिल में बसे हुए हैं। यहाँ के मिट्टी से मेरा बहुत कम उम्र से रिश्ता रहा है, यहाँ के लोग मेरे दिल में बसते हैं। वहीं कांग्रेस ने नंद कुमार को उनके डांस पर नसीहत दे दी। किसानों की सोच रखने वाले लोग होते तो आज के दिन हर प्रकार के कार्यक्रम को रद्द करते और किसानों के हित के लिए गांव-गांव घूमते। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने किसानों के हित के लिए कुछ नहीं किया और ये सरकार सिर्फ वादों की सरकार है।